और दोस्तों टीम इंडिया की, जी हाँ टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान, टीम को संभालेंगे। जी हाँ पहली बार रोहित शर्मा बनेंगे टीम के कप्तान टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ तो पहले दोनों बल्लेबाज यानी ओपनर हो सकते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। जी हाँ तीसरे नंबर पर उतर सकते हैं चेतेश्वर पुजारा, पांचवे और चौथे और पांचवे नंबर पर कोहली और राहुल रहेंगे दोस्तों। जी हाँ राहुल भी रहेंगे इस मैच में, वो ओपनिंग करते थे लेकिन शुभमन गिल की वजह से क्या राहुल को पांचवे नंबर पर उतरना पड़ेगा, ये उनके लिए बेस्ट पोजीशन भी हो सकती है। विराट कोहली भी अच्छे फॉर्म में है, विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है जी हाँ, तो उनका भी चौथे नंबर पर बेस्ट पोजीशन रहेगा। तो छठे नंबर पर होंगे जी हाँ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, बहुत समय के बाद वापस लौट रहे हैं तो इनका मौजूदा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो पहले टेस्ट मैच में पता चलेगा। उसी के साथ दूसरे, जी हाँ दूसरे ऑलराउंडर यानी जडेजा के अलावा अश्विन ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे और स्पिन बल्ले गेंदबाजी भी करेंगे। जी हाँ सातवें नंबर पर, छठे और सातवें नंबर दोनों बल्लेबाज और बैटिंग यानी ऑलराउंडर रहेंगे। और बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद शमी खेलेंगे, सिराज भी खेलेंगे। जी हाँ आठवें और नौवें नंबर पर शमी और सिराज खेलेंगे। आखिरी दो बल्लेबाज यानी 10 और 11 नंबर पर कुलदीप यादव और उनाड़कट होंगे। तो चलिए ये तो बात थी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। जी हाँ कप्तान रहेंगे, जी हाँ बहुत बड़े कप्तान स्मिथ कप्तानी करेंगे यहाँ टीम ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ वार्नर और ख्वाजा करेंगे ओपनिंग। बात करें दोनों ओपनर्स की तो दोनों बड़े बहुत बड़े फॉर्म में हैं, तो दोनों बल्लेबाज जी हाँ वार्नर और ख्वाजा ओपनिंग करेंगे। मिडल ऑर्डर की बात करें तो मार्नो स्मिथ और टीम हेड, तीन बल्लेबाज रहेंगे मिडल ऑर्डर में। और जी हाँ एलेक्स कैरी भी बल्लेबाज और पैट कमिंग्स भी खेलेंगे। जी हाँ पैट कमिंग्स ऑलराउंडर के तौर पर होंगे, एस्टन अगर भी ऑलराउंडर की तरफ ही होंगे। जी हाँ लियोन बॉलर की तरफ से होंगे, बॉलर के अंदर बात करें तो बहुत अच्छे बॉलर लियोन है। मिचेल स्टार्क भी टीम में जगह बनाई है। और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो जॉस हेजलवुड टीम में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों ग्रीन, कैमरून ग्रीन टीम में शामिल नहीं है, तो ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी हो सकती है दोस्तों। जी हाँ अगर आप भी शुभमन गिल के, जी हाँ आप भी शुभमन गिल के बड़े फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी शुभमन गिल को बड़े बल्लेबाज के रूप में देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों शुभमन गिल के लिए। तो ये था टीम इंडिया का प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11। तो दोस्तों मैच होने वाला है नागपुर में, बहुत बढ़िया पिच है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। तो चलिए आगे बात करें टॉस की, तो टॉस जीत कर कोई भी टीम बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है। जी हाँ बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है, टॉस होने वाला है सुबह 9 बजे। जी हाँ सुबह 9 बजे टॉस होने वाला है और जो भी टीम जीतेगी पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है, यही रहेगा टीम का प्लान। तो कोई भी टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है। जी हाँ दोनों टीम पहले बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके पहले बैटिंग करना चाहेंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, जी हाँ फिर से एक बार बात करते हैं टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट की, और बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है ये। हाँ तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की अहम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज शुरुआत कल से हो रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट कल मुकाबला
नागपुर में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का बहुत कुछ दांव पर लगा है। वहां भारत को अगर इस साल जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को हर हाल में जीतना होगा। जी हाँ, जीतना होगा। आइए नज़र डालते हैं समीकरण कैसा रहेगा। अगर समीकरण के मुताबिक रहेंगे तो टीम इंडिया फाइनल में पहुंच सकती है। जी हाँ, भारत को अगर इस साल जून में वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियन का फाइनल खेलना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में हर हाल में जीतना होगा। जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 4-0 से या फिर 3-0 से या फिर 3-1 से या फिर 2-0 से जीतनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 3 टेस्ट यहाँ जीतने होंगे टीम इंडिया को। अगर 2 टेस्ट जीतते हैं तो 2 को ड्रॉ कराना पड़ेगा। इसी समीकरण से यहाँ टीम इंडिया फाइनल में पहुँच सकती है। ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट की खतरनाक टीम मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे नंबर 1 टेस्ट टीम है, जबकि भारत 2 नंबर पर है। तो समीकरण की बात करें, वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 75.56% के अंकों के साथ नंबर 1 पोजीशन है और भारत बहुत दूर 98.93 अंकों के साथ 2 नंबर पर। तो टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 4-0 से 3-0 से या 3-1 से या फिर 2-0 से जीत लेती है तो फिर वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-0 से 2-1 से 3-0 से 3-1 से 4-0 से हरा दिया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों टीमें बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया के टीम को बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए कम से कम 1 टेस्ट मैच ड्रॉ कराना होगा। जी हाँ, वर्ल्ड अगर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं करा पाती या 4-0 से हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004 के बाद भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज 2004 के बाद नहीं जीती है। दोनों देशों के बीच भारतीय, जी हाँ, धरती पर टेस्ट सीरीज पूरे 6 साल बाद खेली जा रही है। आखिरी बार 2017 में खेली गई थी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बड़ी मैच जीतना चाहती है। तो दोस्तों, ये रहा दाव पर 2 लगे हैं प्लेयर्स टीम इंडिया के। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा सस्पेंस बना है यहाँ। जी हाँ,